अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, जा रहे हैं, खुश रहे हैं, आबाद रहे हैं। अल्लाह ने आपको अपने इज़्ज़त मान में रखे, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, बीमारियों, बेरोज़गारी से बचाए, खुशियाँ अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए। मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट दे रही हूँ। असर का टाइम है जी, बारिश सारा दिन मौसम ऐसे ही रहा है। आज सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर सकी, अभी भी बारिश ज़ोर की ज़्यादा आई हुई है और कुछ लगी हुई है। कुछ पौधे खुश हैं जी, पौधों को खुल के पानी मिल रहे हैं तो पौधे खुश हैं। हाँ जी, बारिश तेज़ हो गई है। मेरा भी इरादा था, नीचे मेरी कज़न उसके बेटे की मंगनी हुई थी तो गए थे। मंगनी का फंक्शन भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। मैं ना उसकी तरफ जा रही हूँ, कुछ मुबारक दें, मुबारकी दे हूँ। वो काफ़ी दिनों से तबीयत ही ठीक नहीं हो रही तो मैंने अभी सोचा था जाऊँगी। अभी बारिश हुई थी तो फिर उनकी तरफ से चक्कर लगाती हूँ। तो अभी मैंने कहा कि चाय के साथ कोई पकौड़े शकौड़े हो जाएँ। मेरे दिल कर रहा था, मैंने बहू को बोला पकौड़े आलू वाले बना के दो थोड़े से, तो अभी अगर बने तो आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी तो सिर्फ फरमाइश की है, फरमाइश पूरी हुई तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप लोग भी बना के खाएँ। बारिशों का मौसम है मज़े का। मैं अपने पौधे देख लूँगी, मेरी मिर्चें कैसी हैं और टमाटर कैसे हैं ये देखें जी। उनके साथ फूल लगे हुए हैं टमाटरों के साथ। इसमें मैंने ये ख़राब हो रहा था सारा, मैंने फिर इसमें ना मिट्टी और शामिल की थी। गमले में मिट्टी कम पड़ गई थी, इसमें से मिट्टी निकल रही थी तो फिर मैंने इसमें और मिट्टी शिट्टी डाली थी। अब ये ठीक है, अब इसके साथ फूल भी नए आ गए हैं। पत्ते सारे खुशक हो रहे थे इसके, तो अभी इसके साथ फूल से भी नए निकले हैं। पत्ते जो ख़राब हैं उतारती हूँ। उसमें मेरी कद्दू की बेल भी बड़ी हो रही है, ये भी ग्रो कर रही है। सब गमलों में मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली थी तो दूसरी भी फ्रेश बीन की भी वो नीचे उतरूँगी तो आपको दिखाऊँगी। अभी बारिश ऊपर ऊपर ही है, नीचे ही है, ऊपर नहीं आई। तो ये मेरी कद्दू की बेल है जी, ये मेरी मच्छे सब जो लगी हुई है। फिर पानी आ गया मेरे, वापस ही जाऊँ तो बेहतर है। मोबाइल मेरा गीला हो गया, खराब नहीं हो गया। तेज़ हो गई है जी, सही आवाज चल रही है और बहुत तेज़ बारिश है। बारिश का मज़ा लेंगे। अभी चाय भी बन रही है, वो आलू के पकोड़े बनाने के लिए ऑयल फ्राई पैन में हमने रखा है, तैयार कर लिया है जी। उसका मसाला आलू, बेसन में आलू स्लाइसेस डाल दिए आलू के। अभी कढ़ाई हुआ हूँ मेरी, रात के लिए कीमा निकाला, रात की हंडी के लिए सामान बनाने के लिए। तो मेरी फरमाइश पे ये आलू बन रहे हैं। इस मौसम में दिल करता है पकौड़े वगैरह खाने का, तो मैंने कहा है कि चिप्स बनाए आलू के, वो बेसन वाले। आप लोग भी बारिश के मौसम में बना के खाएं, बड़ा मज़ा आता है। बच्चे भी आज घर में ट्यूशन पर नहीं गए, बारिश ज़ोर शोर से जा रही है जी। खिड़की में से भी देखें, बारिश हो रही है सही किस्म की।
अदरक धो के ना काट के उसमें ज़रा डाल के अच्छा चलो देखती हूँ। ये देखें जी बारिश, सही बारिश हो रही है तबाही वाली। हाँ जी पकौड़े बनने शुरू हो गए हैं, अभी चाय के साथ खाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, मज़ा आएगा। जिस चीज़ का दिल कर रहा हो तो वो फ़ौरन बना के खानी चाहिए। मेरा दिल कर रहा था सुबह से, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सारा दिन वॉशरूम भाग भाग के मेरी थी, वो मसला हुआ था सांस का, तो अभी जाके तबीयत बहाल हुई है। तो अभी पकौड़े तैयार हो रहे हैं जी, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, खाऊंगी। हाँ जी पकौड़े हमारे तैयार हो रहे हैं, कुछ तैयार हो के आ गए हैं, चाय भी तैयार हो गई है जी, मेरे पोते भी बैठे हुए हैं। हमें दादू ने बोले बैठो, हमें दादू ने बोले बैठो, दादू ने नहीं बोला, खुद आयो। जैसे तो मैं बैठो भी खाने। तो अभी जी स्टार्ट करते हैं। चलो जी बच्चों, तुम लोगों ने तो नहीं खाने ना? खाने है। क्यों खाने हैं? बनवाए तो मैंने अपने लिए थे। अभी बन रहे हैं जी, अभी लगी हुई है बनाने पे। कैचअप भी आ गया जी। ठहरे मैं अपना कप इधर करती हूँ। रूहान ठहरो मैं अपना कप इधर करूँगा। किराना नहीं चाहिए? हाँ जी दो। ये नो रियान आपकी चाय। हाँ जी बच्चे स्टार्ट हो गए, मैं भी देखती हूँ अच्छे बने सही है ना, बनाए हैं तो मज़ा आ रहा है। भाई बारिश भी है, बारिश और पानी बारिश है और पकौड़े भी हैं, सावन का यही मज़ा है। नहीं ज़्यादा हो जाएगा। पोते मेरे लगे हुए हैं जी खाने पे। क्या कह रहे हो? और आ गए जी गरम गरम, पता नहीं कौन से गरम कौन से ठंडे कौन से गरम। नीचे वाले ठंडे हैं ना, ऊपर वाले गरम। हाँ जी पोती मेरी आ गई है। वो चाट मसाला लगा लगा के खा रही है, कहते हैं मज़ा आता चाट मसाले का। दिखाओ मुझे, मैं भी चेक नहीं तुम लोग कभी नहीं करोगे, तुम छाल आ जाएगी। ये बेटा ब्रेड खा रहा है, उधर अभी भी भूख है, ब्रेड लेके आए हैं पकौड़े खा के फिनिश करके सारे। फिर भी ये ब्रेड में अपने लिए पैसे फिर लिया। इधर मज़े से कैचअप से भरा हुआ पकौड़ा खाया जा रहा है जी, सही एंजॉय कर रहे हैं।
किसमें गंदे होने की क्या बात है, जैसे उसका दिल करेगा वो खाएगा। जैसे चाइना खाते हैं। हाँ जी प्यारे बहन भाइयों, चाय हम पी चुके हैं, पकौड़े खा चुके हैं, बारिश भी थम चुकी है, अब खूब बरस के थम गई है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी नई किसी बात के साथ। अल्लाह मियाँ आपको जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे, हमों परेशानियों से बचाए, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अपनी दुआओं में मुझे शामिल किया करें और मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें और दोस्तों में भी शेयर किया करें और नए आने वाले सब्सक्राइब भी किया करें। आजकल तो घर में ही व्लॉग बन रहे हैं, बीच में से आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बाहर जाते हैं शेयर करती हूँ, इंशाल्लाह फिर भी शेयर करूँगी आपके साथ जहाँ भी गई। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।